अराता का एक और प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने अराता का सी सॉल्ट स्प्रे का रिव्यू आप लोगों के लिए किया था। मैंने अराता के बॉडी एक्ने कंट्रोल बॉडी वॉश का रिव्यू किया था, और आज मेरे पास है चेरी ब्लॉसम बॉडी वॉश, तो आज इसका रिव्यू करेंगे। पर सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन का ऑल जरूर कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक हो, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो व्लॉग हो, सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग उन वीडियोस को देख करके मजा ले पाए। ठीक है, तो आज मेरे पास ये चेरी ब्लॉसम बॉडी वॉश अराता का। अराता आप लोग को ब्रांड पता ही होगा, शार्क टैंक का एक आया था वो एक ब्रांड, वही है। तो ये कामिंग एंड रिजुनेटिंग इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 300 ग्राम की ये पैकेजिंग में आता है, और प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से पिंक पिंक इसका ओवरऑल आउटलुक है। और प्रोडक्ट का स्मेल की बात करूँ तो प्रोडक्ट का स्मेल कुछ कुछ अपने वाटिका शैम्पू था ना पहले वाला, तो वाटिका शैम्पू जैसा इसका स्मेल है, तो कुछ कुछ उस टाइप से। मैं बचपन में ग्रीन वाटिका शैम्पू यूज़ करता था ना, तो उस टाइप से इसका स्मेल है, तो काफ़ी बढ़िया मुझे वो शैम्पू भी लगता था और इसका स्मेल भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो 300 ml की क्वांटिटी में आता है। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इन्होंने यहाँ पे 399 मेंशन किया हुआ है। पॉइंट आउट करता हूँ मैं इसको, 399 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। पर ये प्रोडक्ट मुझे शायद 199 का मिला था, याद नहीं है, शायद 199 और 40 रुपये डिलीवरी चार्जेस अमेजोन पे लगे थे। पर अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है अमेजोन की, तो 199 में शायद आपको ये मिल सकता है। अभी मैंने चेक नहीं किया उसका प्राइस, ऊपर नीचे भी हो चुका होगा तो कोई आइडिया नहीं है। पर मैंने जब लिया था तो 239 का लिया था। ठीक है, तो प्राइस की बात कर ली मैंने, क्वांटिटी की बात तो कर ही ली है मैंने। टेक्सचर की बात करूँ तो टेक्सचर कुछ कुछ जेली टाइप से इसका, ट्रांसपेरेंट जेली टाइप इसका टेक्सचर है, ये देखिए कुछ इस टाइप से। एंड खुशबू काफ़ी बढ़िया है, वाटिका शैम्पू जैसा जैसा, थोड़ा सा हल्का हल्का भीना भीना उसका उस टाइप से खुशबू है। अब मैं इसका क्या करूँ, हाथ पे लगा लेता हूँ और बाद में वॉश कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से टेक्सचर काफ़ी बढ़िया है, स्किन को सॉफ्ट करता है, एंड बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका टेक्सचर। एंड टेक्सचर की बात करूँ तो बहुत बढ़िया ही है इसका, स्किन को सॉफ्ट कर देता है एंड मॉइस्चराइज कर देता है। एंड क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी हम इसके इंग्रेडिएंट से जज करेंगे, तो इंग्रेडिएंट इनके मुझे समझ में आते नहीं है। चेरी ब्लॉसम, इन्होंने डायरेक्ट चेरी ब्लॉसम का रियल फ्रैग्रेंस नहीं डाला हुआ, चेरी ब्लॉसम फ्रैग्रेंस डाला हुआ है, चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स वगैरह ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि फ्लावर डाले हुए, तो उन्होंने शायद फ्रैग्रेंस आर्टिफिशियली बनाई होगी या फिर नेचुरली बनाई होगी, कि ये मुझे पता नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक कॉशन लिखा हुआ है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, स्टोर इन कूल ड्राई एंड ड्राई प्लेस विथ टाइम द प्रोडक्ट कलर में चेंज ड्यू टू द यूज ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट एंड एसेंशियल ऑयल, दिस मे नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ इफेक्ट इफिशेंसी। तो कुछ इस टाइप से इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कलर वगैरह इसका चेंज हो सकता है। एंड ये अच्छा सा प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। लेदर ऑल ओवर बॉडी, रिंस ऑफ विथ वाटर, बॉडी पे आप इसको मसाज करो, फोम बनेगा एंड ये आप धो देना। फोम काफ़ी अच्छी तरीके से इसका बनता है, काफ़ी बढ़िया इसका एक्सपीरियंस से तो काफ़ी खुश हूँ मैं इसके, क्योंकि बॉडी वॉशेज जो होते हैं ना, वो स्पेशली उन लोगों के लिए होते हैं जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ होता है, या फिर बॉडी वॉश जिनका सबसे ड्राई होता है, तो बॉडी वॉश वो यूज़ कर लेना, तो उनका स्किन ड्राई नहीं होगा, मॉइस्चराइज रहेगा एंड फ्रैकल्स नहीं निकलेंगे, ऐसे जो डैंड्रफ जैसा फ्रैकल्स निकलते हैं ना, तो वो नहीं निकलते बॉडी वॉश से, चाहे कोई भी बॉडी वॉश हो। मोस्टली बॉडी वॉश अच्छे होते हैं, कुछ कुछ बॉडी वॉश तो साबुन से भी घटिया होते, उनका हम फ्यूचर में बात करेंगे। पर इसका एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा मेरे साथ, तो ये रहा प्रोडक्ट। एंड रेटिंग वीडियो के एंड में जाते जाते वीडियो को लाइक करके ही जाना, नीचे कमेंट जरूर छोड़ना, आप लोग को क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में वो भी लिखना, किन किन प्रोडक्ट पे हम रिव्यू कर सकते हैं उसका भी सजेशन हम मुझे दे सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, बाय बाय।